में भ्रूण के लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। हरियाणा में अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 50,000 रुपए लेकर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी के दौरान पकड़े गए लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुट गई है। दरअसल अंबाला के स्वास्थ्य विभाग को करनाल स्वास्थ्य विभाग की टीम से सूचना मिली थी कि अंबाला में भ्रूण लिंग जांच होता है। अंबाला स्वास्थ्य विभाग के CMO ने डॉक्टरों की टीम गठित करके कार्रवाई के आदेश दिए। टीम के शामिल डिप्टी CMO डॉक्टर बलविंदर कौर ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि अंबाला में ऐसा गिरोह चल रहा है जो गर्भवती महिलाओं का भ्रूण लिंग जांच करवा रहा है। इसकी एवज में 50,000 रुपए की मोटी रकम लेते हैं। CMO अंबाला ने डॉक्टर की एक टीम गठित की और रेडिंग टीम करनाल के साथ मिलकर छापेमारी की। रेडिंग टीम का कहना है कि यह गिरोह बहुत बड़ा है, इनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ और पेहुआ के रहने वाले ये दलाल लिंग जांच करवाने की इच्छुक गर्भवती महिलाओं को ढूंढकर अंबाला लाते हैं, जहां अंबाला के 2 युवक को सौंपा जाता है और ये लोग नर्सिंग होम ले जाकर भ्रूण लिंग जांच करवाते थे। इस मामले में SHO सुरेश कुमार ने बताया कि डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर हुराना नर्सिंग होम से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लिंग भ्रूण जांच करते थे। इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।